हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर मुकुल राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुजी पर। और आज हम फिर से आए हैं। आज हमारे इंजीनियर्स ने क्वांटिटी सर्वे सीखा है। आप जैसा कि जानते होंगे क्वांटिटी सर्वे होता क्या है इंजीनियर्स, कि क्वांटिटी सर्वे किसी भी हमारा जो बिल्डिंग में स्ट्रक्चर मेंबर होता है अलग अलग, ठीक है ना, और हमारे जैसे ब्रिकवर्क होता है, कॉलम हो गया, बीम हो गया, हर चीज़ का क्वांटिटी मटेरियल निकालना है ना, मटेरियल की कंजम्पशन निकालना उस स्ट्रक्चर मेंबर में, ठीक है ना। तो उसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं, हमारे इंजीनियर्स कैसे निकालते हैं उसको 5 मिनट में, वो आइए सीखते हैं और देखते हैं, इंजीनियर से पूछते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। आइए चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंजीनियर्स यहाँ पर देखते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे कुछ इंजीनियर्स यहाँ पे क्वांटिटी सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे मेजरमेंट्स ले रहे हैं बिल्डिंग के, उसका क्वांटिटी सर्वे परफॉर्म करने के लिए, उसका मटेरियल कंजम्पशन निकालने के लिए, ठीक है। आइए इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इसके बारे में, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके रीजंस हैं। हेलो इंजीनियर्स। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ग्यासुद्दीन है। सर आज हम क्वांटिटी सर्वे कर रहे हैं, इसमें ब्रिक निकालेंगे, उसके बाद मोटर जो यूज होता है उसका क्वांटिटी निकालेंगे। जो आप यहाँ पे जो भी कर रहे हो सर, हमारे इंजीनियर्स को बताइए, जो आप क्वांटिटी सर्वे, जैसा कि आपने अभी बोला कि आप क्वांटिटी सर्वे परफॉर्म कर रहे हो ना, बिल्डिंग का मेजरमेंट ले रहे हो, तो उसमें आप ये बताइए हमें कि इसमें जो ब्रिक वर्क आप निकालोगे, ठीक है ना, ब्रिक वर्क में ब्रिक निकालोगे और ब्रिक वर्क मशीनरी में जो मोर्टार यूज होता है उसमें सीमेंट सैंड निकालोगे, ठीक है ना, तो वो आप कैसे निकालते हो और उसके लिए मेजरमेंट कैसे लेते हो, उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा डिटेल में आप बात करिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे टू लाइन ब्रिक वर्क है तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, तो सबसे पहले आप सब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट लिए, इसका लेंथ निकाले, ठीक है, हाइट निकाले, उसके बाद इसका जो विड्थ है इसका विड्थ निकाले, उसके बाद इसमें विंडो जो लगा हुआ है इसको डिडक्ट करेंगे, तो इसका भी विंडो का लेंथ और हाइट और जो विड्थ होगा वॉल का वो मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, वॉल्यूम माइनस कर देंगे मतलब विंडो का, तो आपको ब्रिक का कितना लगा हुआ है, ब्रिक का टोटल क्वांटिटी पता चलेगा विथ मोर्टार। बिल्कुल सर, अब इसमें थोड़ा सा ये और बताइए आप, जैसा कि आपने भी बताया बहुत अच्छा बताया, लेकिन आप इसमें ये बताइए जैसे आप ब्रिक निकालोगे तो ब्रिक का यहाँ पे साइज कुछ कंसिडर किया होगा आपने, तो वो साइज क्या है और हमें ये बताइए स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, नॉमिनल साइज क्या होता है ब्रिक का, ठीक है, और हमें रेशियो के बारे में बताइए कि मोटर रेशियो आपने कितना लिया है ब्रिक मशीनरी के लिए। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 119x90x90 mm होता है। सर यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड साइज लेकर चलेंगे, ठीक है, अब इसका जो रेशियो होगा मोटर का 1:5 का रेशियो होगा, जिसमें से 1 हो जाएगा सीमेंट और 5 हो जाएगा सैंड। यहाँ पे आप मेजरमेंट लेकर दिखाइए हमें थोड़ा सा, कि ये जो आप बोल रहे हो जैसे अगर सर हमने वॉल्यूम निकालिया वॉल का, ठीक है, तो उस वॉल में से अगर हमें विंडो डिटेक्ट करना है तो सिंपल विंडो का हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए लेंथ विथ हाइट मेजर करेंगे। जैसा कि आपने लेंथ यहाँ पे ली है तो ये दिखाया कितना आया, हमें रीडिंग करके बताओ। 1530 mm ये हो गया सर लेंथ हो गया, हाइट बताइए। हाइट भी सेम है 1530 और 200 mm वॉल है, ठीक है, हाँ, तीनों को मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम निकल आएगा, उस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल है उसमें से डिडक्ट कर दो, एंड देन क्या निकलेगा आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम निकलेगा उसका अपन क्वांटिटी सर्वे करेंगे, ठीक है ना, उससे हम ब्रिक निकालेंगे अलग, सीमेंट सैंड निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि सर आपने अभी यहाँ पे ये पूरा मेजरमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है ना, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जो आपने अभी वॉल की अगर हम बात करें सर, ठीक है ना, तो वॉल में आपने वॉल का वॉल्यूम निकाला होगा, ठीक है ना, तो वॉल के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप, अब उसमें डोर भी हो सकता है, विंडो हो सकता है, वेंटिलेशन हो सकता है, उनका डिडक्शन करने के बाद अपन क्या करेंगे, तो एक्चुअल वॉल्यूम निकालेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे क्वांटिटी सर्वे करेंगे उसका, फिर उसका ब्रेक निकालेंगे, सीमेंट सैंड निकालेंगे, तो उसको हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उसको कैसे निकालते हैं, आपने सीख लिया ना सर। अभी जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे अपनी वॉल की जो मेजरमेंट की थी सर, मेजरमेंट में की थी उसमें से हमने अपने जो विंडो थे और डोर से उनको हमने डिडक्ट कर दिया था, जो भी हमारा सर वॉल्यूम आया था वॉल का उसको हमें, अब हमें क्वांटिटी सर्वे निकालना है उसका, क्योंकि उसमें सर कितनी ब्रेक्स लगेगी, तो हमारा जैसे जो मोटर का साइज हमने लिया है 10 mm थिकनेस मोटर का लिया है सर, तो हमारा जो ब्रेक का स्टैंडर्ड साइज होता है सर वो होता है 190x90x90 mm, तो हमारा जो मोटर है सर 10 mm हम इसको ऐड कर देंगे स्टैंडर्ड साइज में ब्रेक के में, तो हमारा जो ब्रेक का साइज हो जाएगा सर वो जाएगा 200x100x100 mm सर। जो अब हमारा जो स्टैंडर्ड साइज हो गया ब्रेक का वो तो ये हो गया 200x100x100, और हमारा जो वॉल का वॉल्यूम है विंडो डिडक्ट करने के बाद में उसमें क्या करेंगे सर, हम जो हमारा डिवाइड कर देंगे सर हमारे ब्रिक के साइज से स्टैंडर्ड साइज, तो हमारी वो सर नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे इस तरह से हमारे वॉल्यूम। ये तो आपने ब्रिक वर्क ब्रिक बता दिया, ठीक है जी सर, हमारे व्यूअर्स को सीमेंट और सैंड के बारे में बताइए, मोर्टार भी निकाल लोगे आप? जी सर। मोर्टार कैसे निकाला जाता है? तो हमारा सर सीमेंट प्लस सैंड
मिलके हमारा मोटर बनता है सर। तो उसके सर अलग अलग रेशो होते हैं, जैसे 1/4 रेशो, 1/5 रेशो। इंजीनियर से बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन इनसे भी पूछते हैं। हेलो सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीत है। सर हमें ब्रेक के वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताइए। सर ब्रेक का जो सर फर्स्ट क्लास जो होती है उसका कितना होता है? जो फर्स्ट क्लास है वाटर एब्जॉर्प्शन उसका होता है 15% तक। 15% वाटर क्लास। सेकंड क्लास है 15-20% ऑब्जर्व करती है। थर्ड क्लास होती है वो सर 20-25% ऑब्जर्व करती है। सर फर्स्ट क्लास ब्रेक होती है हमारी, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? सर 105 kg/cm। सर थैंक यू सर। थैंक यू। आइए हम दूसरे इंजीनियर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रचित सर। सर रचित सर, हमारे जो ब्रिक वर्क में बॉन्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, जी सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जैसे सर बॉन्ड तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो चार ही होते हैं। कैसे, एक फर्स्ट हो गया अपना हेडर बॉन्ड, फिर होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, फिर फ्लेमिस बॉन्ड, फिर इंग्लिश बॉन्ड। ये चार हमारे यूज होते हैं। और जो स्ट्रेच कैसे होते हैं हमारे व्यूअर्स को बताइए, उनका बताइए। हेडर बॉन्ड रहते हैं उसमें फर्स्ट लेयर में हेडर हेडर रहते हैं, और जो स्ट्रेचर रहते हैं उसके स्ट्रेचर रहते हैं। अगर फ्लेमिस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रिकवर्क होता है लेयर्स में होता है। जी जी। तो एक लेयर्स में फ्लेमिस बॉन्ड में क्या रहता है? एक लेयर में पहले स्ट्रेचर, फिर हेडर, स्ट्रेचर, हेडर। दूसरी लेयर भी सेम रहती है सर। और अगर हम इंग्लिश बॉन्ड की बात करें तो फर्स्ट लेयर में हेडर, फिर सेकंड लेयर में स्ट्रेचर, ऐसे रहते हैं। मतलब एक जो लेयर है उसमें हेडर हेडर रहेंगे। जी जी। दूसरी लेयर है उसमें स्ट्रेचर। तो जैसा कि आपने इंजीनियर्स देखा, हमारे इंजीनियर से हमने बात की, कुछ चीज़ें क्वांटिटी सर्वे के बारे में पूछा। ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, आपको अगर डीपली चीज़ें ये जानना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।